आइए आइए ब्योमकेश बाबू, आपको मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी सत्यवती, मेरे मित्र अजीत। नमस्कार, स्वागत है। मुझे बेहद खुशी है कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मेरी बेटी रजनी, आइए। बेटी जरा ध्यान रखना, अब आपकी तबीयत कैसी है? जी अच्छी है, यहाँ के डॉक्टर घटक दवा दे रहे। अच्छा अच्छा, लीजिए, वो रहे डॉक्टर घटक। आपसे तो आपका परिचय ही है। आप हैं हमारे यहाँ के फोटोग्राफर नकुल सरकार और आपकी पत्नी। नमस्कार। आप ब्योमकेश बाबू और अजीत। आपका नाम तो बहुत सुना है, आज दर्शन भी हो गए। अच्छा हुआ। अरे मालती भाभी नहीं आई? बस आती ही होंगी। चौधरी जी कहाँ? यहीं पर तो है। तो मिसेस शोम हमेशा की तरह लेट लती। ब्योमकेश से तो परिचय है ही आपका। इन्हीं के मकान में तो किराएदार है हम। लीजिए, उषानाथ बाबू वहां खड़े, चुपचाप आइए। मैंने जो किताब दी, पढ़ी आपने? आप हैं हमारी सरकारी ट्रेजरी के चीफ अकाउंटेंट उषानाथ घोष और इनकी पत्नी, और आप हैं कलकत्ता के मशहूर जासूस ब्योमकेश बख्शी और आपके साथी अजीत बनर्जी। ये क्या कर रहा है? अरे चौधरी साहब, कहाँ हैं आप? आइए आइए, ब्योमकेश बख्शी से मिलने के लिए बड़े बेचैन थे ना आप। ब्योमकेश बख्शी और आपके साथी अजीत बनर्जी। आप हैं हमारे यहाँ के बैंक मैनेजर मिस्टर अमर राहा। अच्छा, कीर्तिमान व्यक्ति से मिलने की किसकी इच्छा नहीं होती। चौधरी साहब, आप भी तो बड़े बेचैन थे ना। आइए आइए भाई, हम तो सोच रहे थे आप आ ही नहीं पाएंगे। आइए। हमारे यहाँ के डीएसपी मिस्टर पुरंदर पांडे। नमस्कार नमस्कार, आपको मिलने की कब से तमन्ना थी, लेकिन अफसोस आप हमारे यहाँ आए और हमारे पास कोई भी ऐसा पेचीदा रहस्य नहीं जो आपको पेश कर सके। यहाँ ये सब होता नहीं है, सब सीधे साधा लोग हैं। छोटी मोटी कोई चोरी ना होती हो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के दिमाग अड़ाने योग्य यहाँ कुछ नहीं। अच्छा ही है, हम यहाँ हवा बदली के लिए आए हैं। आइए इस तरफ। आइए प्लीज। अभी अभी हमारे डीएसपी साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पर पेचीदा रहस्यों का अत्यंत अकाल है, लेकिन जरा आप इस बात पर सोचकर देखिए कि ये बात कहाँ तक सच है, क्योंकि कल रात हमारे यहाँ एक चोर आया था। कुछ चोरी वोरी भी हुई है? नहीं, यहीं पर तो रहस्य और भी पेचीदा हो जाता है। कोई सामान चोरी नहीं हुआ सिवाय दीवार पर से एक फोटोग्राफ की, और एक खिड़की खुली हुई थी। फोटो कौन सी थी? एक ग्रुप फोटोग्राफ था, हम लोग तकरीबन एक महीना पहले पिकनिक पर गए थे, वहीं पर नकुल बाबू ने खींची थी। कमाल है, चोरों को और कुछ नहीं मिला? आपके कमरे में तो काफी कीमती सामान मौजूद है। जी हाँ, चांदी के बहुत सारे फूलदान हैं, चांदी का डाइनिंग सेट है, और भी बहुत सारा कीमती सामान है, लेकिन चोर सब सामान छोड़कर सिर्फ एक फोटोग्राफ लेकर गायब हो गया। कहिए, इसे आप जटिल समस्या कहेंगे या नहीं? आप इसे जटिल समस्या समझना चाहें तो समझे, मैं तो ये कहूंगा किसी राहगीर ने खिड़की खुली देखकर सुनहरी फ्रेम के लालच में तस्वीर चुरा ली होगी। आपका क्या ख्याल है ब्योमकेश बाबू? शायद डीएसपी साहब ठीक ही कह रहे हैं। ये तस्वीर खींची किसने थी? नकुल बाबू ने। नकुल बाबू जरा इधर आइए। जी नकुल बाबू, जो आपने हम लोगों की पिकनिक की तस्वीर खींची थी वो कल रात चोरी हो गई। चोरी हो गई? आपने कितनी कॉपियां बनाई? तीन, एक चौधरी जी ने ली थी, एक उषानाथ बाबू ने ली थी, और तीसरी प्रोफेसर शोम ने। जरा पूछिए कि उषानाथ बाबू और प्रोफेसर शोम के पास अपनी कॉपियां हैं। उषानाथ बाबू जी, वो जो पिकनिक वाली तस्वीर की कॉपी आपने ली थी वो आपके पास है? अपने एल्बम में रख दी थी, फिर कभी देखी नहीं होगी। सुना आपने? अरे प्रोफेसर शोम, आपके पास पिकनिक वाली तस्वीर की कॉपी है? ओ, शायद कह नहीं सकता। अरे नहीं है तो दूसरी कॉपी ले लीजिए। नकुल बाबू, एक कॉपी मुझे भी चाहिए, मैं भी उस ग्रुप में था। वो तस्वीर अब मिलना मुश्किल है अमर बाबू। क्यों? नेगेटिव पता नहीं कहाँ खो गया। अरे नेगेटिव कहाँ गए? दूसरे नेगेटिव्स के साथ में, दो दिन के लिए कलकत्ता चला गया था, वापस आया तो देखा वहाँ पे मिल ही नहीं रहा। अरे वहीं कहीं होगी, ढूंढ कर देखना। जी नमस्कार। नमस्ते, आपको परसों रुपए दिए थे ना, फिर क्यों आया? नहीं सर, मैं रुपए मांगने नहीं आया, आपकी एक तस्वीर बनाई थी मैंने, वो दिखाना चाहता हूँ। मेरी? अरे
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी तस्वीर बनाते हैं आप। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फाल्गुनी पाल है। फाल्गुनी भाई, ये रहा तुम्हारा इनाम। बहुत अच्छी तस्वीर बनाते हो तुम। शुक्रिया। अच्छा तो ये तस्वीर तुमने बनाई कैसे? किसी तस्वीर को? नहीं, मैंने चौधरी जी को कई बार देखा है। अच्छा अच्छा, तो तुमने तस्वीर को देखकर तस्वीर बना ली? सर, मैं अपनी याददाश्त से तस्वीर बना लेता हूँ। यदि आप हुक्म करें तो आपकी भी तस्वीर बना दूं। ठीक है, इतनी अच्छी तस्वीर अगर बनाकर ले आओगे तो मैं भी तुम्हें 10 रुपये इनाम में दूंगा। जी सर, जो हुक्म आपको। चलता हूँ सर। अच्छा आर्टिस्ट है। उस पिकनिक के ग्रुप की तस्वीर में तो था नहीं, अब देखते क्या बना के लाता है। वहाँ तस्वीर चोरी की क्या बात हो रही थी? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। आज की पार्टी में जो लोग थे वो एक पिकनिक पर गए थे, वहां उन्होंने एक ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवाई थी। उस फोटोग्राफ का एक कॉपी चोरी हो गया, बाकी की 2 फोटो है या नहीं कुछ पता नहीं, और तस्वीर का नेगेटिव भी नहीं मिल रहा। हर चोरी करने वाले का अलग अलग मकसद होता है। अब फाल्गुनी पाल को ही ले लो, एक बार किसी को देख लिया फिर उसके चित्र बनाने का दावा करता है। फोटो देखकर तस्वीर बनाना तो आसान होता है, फाल्गुनी पाल चोरी करके किसी का भी चित्र फटाफट बनाकर अच्छी खासी कमाई कर सकता है। और फोटोग्राफर नकुल खुद चोरी कर सकता है। अरे नकुल, नकुल का इसमें क्या मकसद हो सकता है? उसकी फोटो और बिकेगी। फाल्गुनी पाल, नकुल, और कोई? उस तस्वीर के ग्रुप में ऐसा भी कोई हो सकता है जो कि अपना हुलिया हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हो। मतलब कोई गुनहगार या? लगता है प्रोफेसर शोम है। देखो आइए बैठिए। आओ प्रोफेसर, कहिए आज की पार्टी कैसी लगी? अच्छी लगी, यहाँ के लोगों से मुलाकात तो हुई। सब भले आदमी हैं, ऊपर से सब ऐसे ही लगते हैं। अच्छा आप बताइए मिसेस बख्शी, आपको वहां सबसे अच्छा कौन लगा? वैसे तो सब अच्छे ही थे, लेकिन रजनी मुझे बहुत अच्छी लगी। सीधी सादी, मिलनसार, जैसे देखने में सुंदर वैसे ही मीठी बातचीत। अच्छा चौधरी जी लड़की की शादी क्यों नहीं कर देते? वो तो काफी पैसे वाले हैं। विधवा है विधवा, विधवा से कौन शादी करेगा? आइए मालती भाभी। यकीन नहीं हो रहा है ना, पूछ लीजिए इनसे, इन्हें सब मालूम है। बेशर्मी की भी हद होती है, विधवा होकर सास सिंगार करती फिरती है। मतलब क्या है, क्या किसी को मालूम नहीं किसी मर्द को फंसाने की तरकीब है? मैं जा रही हूं, तुम जल्दी आ जाना। रजनी क्या सचमुच विधवा है? जी, बेचारी 15 साल की थी तब शादी हो गई। शादी के दूसरे दिन ही पति प्लेन से लंदन चले गए उच्च शिक्षा के लिए। खर्चा सब चौधरी साहब ने दिया था, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पाए, प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आप मेरी घरेलू जिंदगी से शायद वाकिफ नहीं हैं। मेरी जिंदगी भी चौधरी जी के जमाई जैसी है। अपने ससुर के पैसे से लंदन पढ़ने गया, वापस आकर एक कॉलेज में पढ़ाने का काम किया, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। सब छोड़ छाड़ कर पिछले 7 सालों से यही पढ़ा हूं। यह मकान भी मेरे ससुर का है। बहुत कुछ बिला वजह कह गया, चलता हूं। अच्छा प्रोफेसर शोम, बुरा ना माने एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो पिकनिक की जो ग्रुप फोटोग्राफ आपने खरीदी थी वो कहां है? जी वो तस्वीर मेरी पत्नी ने टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दी थी। उस तस्वीर में मैं और रजनी पास पास खड़े थे। कोई कुछ भी कहे, रजनी बहुत अच्छी लड़की है, कम उम्र में विधवा हुई है। बाप अगर बेटी को सवार कर रखता है तो उसमें बुराई क्या है? आज पार्टी में एक बात देखी, तुम लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा।
जब चौधरी जी चोरी का जिक्र कर रहे थे, सब उनकी तरफ देख रहे थे, तब डॉक्टर घटक कुछ दूर अकेले चाय पी रहे थे। रजनी मिठाई की प्लेट लेकर उनके पास गई, चुपचाप एक चिट्ठी उनकी जेब में डाल दी, फिर वहां से चली गई। मुझे लगता है मेरे अलावा ये सीन किसी ने नहीं देखा। ब्योमकेश बाबू, चलिए आज मैं भी आपके साथ घूमता हूँ। जरूर। एक बात बताइए, उस ग्रुप फोटो को अखबार में छपवाने की कोई बात हुई थी? नहीं, उषानाथ बाबू कभी छपवाने नहीं देंगे। क्यों? वो जरा अजीब किस्म के आदमी है, उन्हें अपने सरकारी ओहदे का बहुत गर्व है। किसी अरे गहरे के साथ उनकी तस्वीर छपे वो नहीं चाहते। अच्छा, उषानाथ बाबू क्या हमेशा काला चश्मा पहनते हैं? हाँ, करीब 2 साल से यहाँ बदली होकर आए हैं। मैंने उन्हें बिना चश्मे के कभी नहीं देखा, शायद आंख कुछ खराब होगी। और फोटोग्राफर नकुल? बहुत ही चालू चीज है। अच्छा। हमेशा चौधरी जी की खुशामद में लगा रहता है। सुना है किसी जमीन के लिए चौधरी साहब से मोटी रकम उधार ली है। फाल्गुनी पाल ने आपकी तस्वीर बनाई? अरे कमाल का आर्टिस्ट है, दूसरे ही दिन तस्वीर बना के ले आया, हूबहू मेरे जैसी। सचमुच बहुत गुणी आदमी है, 10 रुपए देने पड़े। रहता कहाँ है? अरे बस ये मत पूछो, इधर उधर रात कहीं भी काट लेता है, शराब गांजा चरस कुछ भी तो नहीं छोड़ता। चौधरी जी को दे आई, उन्होंने अपने बंगले के कोने में रहने का इंतजाम कर दिया। आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? अरे बस चौधरी जी के यहाँ जा रहा हूँ, सुना उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, क्या हुआ? अरे होगा क्या, दमे के मरीज है। सोचता हूँ मैं भी मिलाऊं। तो भाई पीछे बैठो ना, लौटते वक्त आपको छोड़ दूंगा। अच्छा ब्योमकेश बाबू। अच्छा, चौधरी जी से कहना मैं शाम को आऊंगा। हाँ मैं कह दूंगा, और अब मैं चलता हूँ। चलो अब हम भी चलते हैं। तो, अच्छा तो, अरे ब्योमकेश बाबू नमस्कार। नमस्कार। अरे आपको भनक कैसे पड़ी? किस बात की भनक? अरे भैया आप यहाँ टपक कैसे पड़े? घूमने निकले थे, सोचा उषानाथ बाबू से मिलते जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, कल रात को इनके घर में भी चोरी हो गई। अच्छा? हाँ। क्या चोरी हो गई? वो अभी पता नहीं, हम सब ऊपर सोते हैं ना, नीचे कोई नहीं रहता। कल रात या हो सकता है सुबह सुबह चोर नीचे के कमरे में घुसकर अलमारी खोलने की कोशिश की किसी चाबी से, लेकिन खोल नहीं सका, चाबी वही ताले में अटके पड़ी है। ये अलमारी में है क्या? कुछ जरूरी कागजात है और एक बक्से में मेरे पत्नी के सारे गहने हैं। अच्छा, इसका मतलब है वो अलमारी से कुछ ले जा नहीं सका। वो तो अलमारी जब खुलेगी तब मालूम पड़ेगा, एक चाबी वाले को बुलाया। चलिए अंदर आइए ना, अभी आइए डीएसपी साहब। आइए, ये देखिए चाबी अभी तक अटकी हुई है। आइए इधर आइए। इस रेडियो पर एक चांदी की परी रखी थी, करीब 8 इंच लंबी, वो यहां से गायब है। और कुछ? जी नहीं, और कुछ नहीं। इतनी चीजों के रहते हुए चांदी की परी क्यों ले गया? क्या पता, ये बताना तो आपका काम है। अरे उषानाथ बाबू जी। अरे अंदर बुलाया है तो बैठने को नहीं कहोगे? अरे आइए बैठिए ना, बैठिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका लड़का या आपकी पत्नी परी को ऊपर ले आया? जी नहीं। किसी पर शक है? इनका एक नौकर कह रहा था कि कल रात करीब 7-7:30 बजे एक पागल सा आदमी उषानाथ बाबू से मिलने आया था। नौकर ने उसे बाहर से भगा दिया, लेकिन उसने जो उसका हुलिया बयान किया उससे मालूम पड़ता है कि वो फाल्गुनी पाल है। हाँ, मैंने एक पुलिस वाला उसके पीछे भेजा है। अच्छा उषानाथ बाबू, आपके आपके पास वो तस्वीर है? तस्वीर? कौन सी तस्वीर? वो जो पिकनिक में ग्रुप फोटोग्राफ की ली गई थी। अच्छा वो? जी नहीं, मैंने फिर देखी नहीं, एल्बम यही कहीं यहाँ है। देखिए ना, इसी में होगी। इसमें तो सिंगल या दो जनों की तस्वीरें नजर आती हैं, ग्रुप फोटोग्राफ तो कोई है ही नहीं है। देखिए
उषानाथ बाबू आप बेफिक्र रहिए, चोर ने कोई चोरी नहीं की है। अलमारी में गहनों का बक्सा भी सुरक्षित है, हो सकता है ढूंढने पर वो चांदी की परी मिल जाए। चलो अजीत, चोर का पता लगने पर हमें बताइएगा जरूर। हाँ जरूर बताऊंगा। एल्बम देखते समय उषानाथ बाबू ने एक बार अपना चश्मा ऊपर किया था, तुमने गौर किया? नहीं, कोई खास बात थी? उनकी बाई आंख पत्थर की है। इसीलिए काला चश्मा पहनते हैं? कमाल है। आप लोग पुलिस का आदमी है ना, मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं? लीजिए, पूरी तसल्ली के साथ तलाशी लीजिए, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं आप लोग को। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। हम आपके घर की तलाशी नहीं लेना चाहते और ना ही हम पुलिस हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कल रात आप उषानाथ बाबू के घर क्यों गए थे? उनकी तस्वीर बनाई थी मैंने, वही दिखाने गया था, लेकिन उनके नौकर ने मुझे मिलने नहीं दिया, भगा दिया मुझे। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई? ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, मैं पुलिस से कह दूंगा कि आइंदा आपको तंग न किया करें। धन्यवाद। तस्वीर, तस्वीर, अरे मैं क्या करूंगा तस्वीर का, मुझे तस्वीर नहीं चाहिए। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। देखो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी तस्वीर की नहीं। दूध के बगैर कोई पानी पी करके रह सकता है? मुझे भी क्या तुम्हारे बगैर अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता है, मैं बताता हूँ। लेकिन लेकिन पिताजी, तुम अब नाबालिग नहीं हो रजनी, तुम्हारे पिताजी अब तुम्हें नहीं रोक सकते। वो तो ठीक है, लेकिन प्लीज अश्विनी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक हो जाने दो, उसके बाद फिर। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आज ही बताना पड़ेगा कि तुम्हारा फैसला क्या है। अब मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। और देखो, कलकत्ता पहुंचकर तो पिताजी को पता चल ही जाएगा। ठीक है, बताती हूँ। नहीं नहीं, इस वक्त नहीं, लगता है घर में कोई आया है और मेरा घर में रहना बहुत जरूरी है। तुम ऐसा करो, तुम रात को 10 बजे यहीं आ जाना, मैं यहीं मिलूंगी, फिर तब आराम से बात करेंगे। ठीक है, मैं जाती हूँ। सुनो तो, चलो अब चौधरी जी को मिलने की कोई जरूरत नहीं। ये आदमी कौन था, पहचाना नहीं तुमने? नहीं, हमारे मकान मालिक प्रोफेसर शोम थे। क्या? अच्छा, ये डॉक्टर घटक और रजनी का मामला जानते हुए भी हम क्या चुप बैठे रहे? हमें कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं, हम क्रिकेट खेल के दर्शक हैं, हमारा काम है खेल देखना और ताली बजाना, मैदान में कूदकर खेल बिगाड़ना नहीं। चलो। ऊपर मरीज का क्या हाल है? क्या बात है, चुप क्यों हो गई? मालती देवी को देखने नहीं गई थी क्या? कुछ बताओ तो सही, चुप क्यों बैठी हो? गई थी बस। क्या बात है भाभी, नाराज क्यों? उस सड़ी औरत के पास जाना ही गलती थी। क्यों? इतनी गंदी और गलीज है, सारा वक्त अपने पति को गाली देती रही। छी। Thank you.
फिर रात को प्रोफेसर शोम वापस कब आए? 11:30 बजे। देखना तो जरा कौन है। अच्छा बताओ तो कौन आया होगा? लगता है कोई पहली बार ही आया है। नमस्कार। नमस्कार ब्योमकेश बाबू, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको बता दूं। शायद आपको नहीं मालूम, फाल्गुनी पाल वही जो तस्वीरें बनाता था, चौधरी जी के कुएं में डूबकर मर गया। अरे कब? शायद कल रात ही, ठीक से कह नहीं सकता। हमेशा नशे में धुत रहता था, गिर पड़ा होगा। अच्छा चलता हूँ। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग। और आपकी पत्नी कैसी है? मालती का बुखार तेज हो गया है, शायद निमोनिया है, बीच बीच में उल्टा सीधा भगती रहती है। डॉक्टर घटक को खबर दिया आपने? डॉक्टर घटक से कुछ फायदा नहीं, मैंने दूसरा डॉक्टर बुलवाया है। क्यों, भरोसा नहीं आपको उन पर? जब मैं यहाँ आया था तो आपने उन्हीं की सिफारिश तो की थी। प्रोफेसर शोन, कल रात 11 बजे आप कहाँ थे? मैं तो, किसने कहा कि मैं कहीं गया था? मैं तो झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं, आपकी पत्नी की तबीयत अगर बिगड़ी है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। कल रात आपके पीछे पीछे रास्ते पर निकली थी, अगर इस बीमारी से उनकी मौत हो जाए तो। मालती, ब्योमकेश बाबू, यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमें मालूम है, इसलिए आगाह किए देता हूँ, ये सब बंद कीजिए, आप शादीशुदा हैं। चलो अजीत। देखिए, आपकी लड़की को टाइफाइड हुआ है, उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आजकल थोड़े लंबी मियाद के केस नहीं ले रहा हूँ। आप डॉक्टर शिंदर को दिखाइए ना, वो अच्छी डॉक्टर है, उन्हें दिखाइए। आइए आइए आइए। जब मरीज खुद डॉक्टर के पास चला है तो समझ लेना चाहिए कि मरीज का हाल अच्छा है। और बताइए। बस बैंक जा रहा था, आपकी डिस्पेंसरी रास्ते में पड़ती है, सोचा मिलते जाए। आप कलकत्ते कब जा रहे हैं? मैं कलकत्ते जा रहा हूँ, ये आपको किसने बताया? नहीं, आप कह रहे थे आप लंबी मियाद के केस नहीं ले रहे हैं, इसलिए। हाँ, वो जल्दी बस कलकत्ते एक बार जाने की इच्छा है। अच्छा चौधरी जी अब कैसे? अब तो काफी अच्छे हैं। अरे हाँ, मुझे उन्हें देखने के लिए जाना था। और रजनी देव? तो ठीक, उन्हें क्या हुआ? वो भी कलकत्ते जा रही है। ब्योमकेश बाबू, आप यहाँ हवा खाने आए, जासूसी करने के लिए नहीं। जिन बातों से आपका मतलब नहीं है उनमें अगर आप दखलंदाजी ना करें तो अच्छा होगा। आइए आइए ब्योमकेश बाबू, आइए बैठिए। रोज सोचता हूं कि एक बार मिला, लेकिन काम ही इतना आ जाता है कि बस। भाई रुपए पैसे के बीच रहने के लिए नसीब चाहिए। अरे कैसा नसीब ब्योमकेश बाबू, शक्कर ढोने वाला बैल रोज घास फूस ही खाता है। ये भी कोई नौकरी है? मेरा बस चले तो सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं। कहाँ जाएंगे? बम्बई, कलकत्ता या फिर लंदन? मधु, और बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? बस ये पैसे दिलवा दीजिए। हाँ हाँ जरूर। मधु, ये चेक काउंटर पे ले जाओ और उनसे कहना कि रुपया यहीं भिजवा दें जल्दी, और चाय भिजवाओ। फाल्गुनी पाल पर गया है, सुना होगा आप? क्या वो आर्टिस्ट मर गया? जी, सुना खुदकुशी कर ली। बेचारा बहुत तकलीफ में था, कल ही आया था मेरे पास। कल? कब? कल सुबह मेरी एक तस्वीर बनाई थी उसने, वही देने। अच्छा, तो आपने क्या वो तस्वीर खरीदी? 20 रुपए दिए थे मैंने, अब आर्टिस्ट की कद्र करनी चाहिए ना। बिल्कुल जी, जरूर दीजिए आपके। ये लीजिए आपके रुपये। इस बार 31 दिसंबर इतवार है, 1 जनवरी की छुट्टी है, और 30 दिसंबर शनिवार आधे दिन की छुट्टी है, तो मैं सोचता हूँ मैं भी 30 दिसंबर को कलकत्ता जाऊँ, 2.5 दिन की छुट्टी है।
अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अमर बाबू। अच्छा। अरे भोमकेश बाबू, आपकी बात बिल्कुल सच निकली। अच्छा। अलमारी में से कुछ भी चोरी नहीं गया, और तो और चांदी की परी भी मिल गई। पर वो ग्रुप फोटोग्राफ नहीं मिला, यही ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बैठिए। शुक्रिया। अच्छा वो चांदी की परी कहाँ मिली? चौधरी के कुएं में। फाल्गुनी की लाश निकालने के बाद वो कुएं में ही मिली। और कुछ? और क्या मिलेगा? कुछ नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि उसकी मौत कुएं में गिरने से नहीं, बल्कि मौत के बाद उसकी लाश को उठाकर कुएं में फेंक दिया गया था। मतलब कल रात किसी ने उसकी हत्या की है और फिर उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। उसने खुदकुशी नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, लेकिन फाल्गुनी जैसे बेकार आदमी को मारकर किसी को क्या फायदा हो सकता है? कुछ तो फायदा होगा, वरना कोई उसका खून क्यों करने लगा। अच्छा वो चांदी की परी कुएं में कैसे पहुंची? भाई हो सकता है फाल्गुनी चोर हो, यू नो। उसके शरीर पर किसी जख्म या चोट के निशान पाए गए थे? नहीं, लेकिन उसकी पेट में भारी मात्रा में अफीम मिली है। शराब के साथ अफीम मिला गई थी। समझा। देखिए डीएसपी साहब, फाल्गुनी की मौत कैसे हुई यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों हुई इसका हमें पता लगाना है। तुम्हारे तस्वीर चोर का क्या हुआ? आज रात तो हम यहाँ से जा रहे हैं। आज 30 दिसंबर है, शनिवार। आज रात को ही उस तस्वीर चोर का भी पता लग जाएगा। कैसे? पहले हमें बैंक जाना है, वहां से अकाउंट बंद करवा के तो पैसे निकलवाने हैं। फिर चौधरी जी के यहाँ भी जाना है, गाड़ी जो लेनी है उनकी। कौन है तस्वीर चोर? कल सुबह कलकत्ते पहुंचकर सब बता दूंगा तुम्हें। अजीत, तुम सत्या को लेकर स्टेशन आ जाना, मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। क्यों? कल इतवार है, परसों पहली तारीख सोमवार, 2 दिन छुट्टी है, इसीलिए काफी लोग कलकत्ता जा रहे हैं। उन्हीं लोगों में हमारा तस्वीर चोर भी है। वहीं पर डीएसपी साहब के साथ अपॉइंटमेंट है। चलो पहले बैंक जाना है, बैंक आज आधा दिन का ही है। अच्छा। नमस्कार विश्वनाथ बाबू। नमस्कार। कलकत्ता जा रहे हैं? किसने कहा मैं कलकत्ता जा रहा हूँ? नया सूटकेस जो खरीदा है, सोचा शायद। अच्छा, आपकी वो चांदी की परी मिल गई? हाँ मिल गई, और मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या बात है, रजनी अफसर बिगड़ क्यों गए? ये भी शायद कलकत्ता जाना चाहते हैं, लेकिन नौकरी की वजह से जा नहीं पा रहे, इसलिए बिगड़ गए। नमस्कार। आप भी आज कलकत्ता जा रहे हैं? हाँ, आप भी आज ही जा रहे हैं? जी हाँ, सोचा 2 दिन की छुट्टी है, एक बच्चों से मिला था। जरूर। अच्छा हाँ सर। वो देखो डॉक्टर खटक भी शायद रुपए निकाल रहे हैं। चलो आइए आइए बंकेश बाबू, आइए आइए आइए। रुपया पैसा जो निकालना है निकाल लीजिए, कल परसों 2 दिन की छुट्टी है। रुपये निकालने ही आए हैं? अच्छा, आप आज जा रहे हैं? हाँ, आज रात की गाड़ी से। वापस कब लौटे? बस परसों रात लौटाऊंगा। नमस्कार चौधरी जी। नमस्कार। आइए आइए। अच्छा कि आप चले आए। दरअसल मैं एक दुविधा में हूँ। क्या हुआ? रजनी कल रात कलकत्ता चली गई। बिना आपको बताए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर दुविधा कैसी? कलकत्ते में रजनी की एक मौसी रहती है। कल हम लोगों को एक तार मिला कि मौसी बहुत बीमार है, रजनी फौरन चली आए, तो रजनी कल रात को ही कलकत्ता चली गई। लेकिन अभी अभी मुझे ये 2 चिट्ठियां मिली, जिनमें से एक रजनी की मौसी की चिट्ठी है, खुद उनके हाथ की लिखी हुई। बिल्कुल मामूली चिट्ठी है जैसे अक्सर आती है, इसमें बीमारी का कोई जिक्र नहीं है। और ये एक दूसरी चिट्ठी मिली है, बिल्कुल बेनामी, लगता है यहीं से किसी ने लिखी है।
लिखा है कि आपके अनजाने में एक ऊपर से शरीफ लगने वाला बदमाश आपकी लड़की से प्रेम का नाटक कर रहा है। वो दोनों अगर यहां से भाग गए तो आपकी जो अच्छी खासी बदनामी होगी वो आप समझ सकते हैं। मैं आपको आगाह किए देता हूं, डॉक्टर घटक एक विश्वासघाती आदमी है, उस पर भरोसा मत कीजिए। ये तो पता नहीं किसने लिखी है, लेकिन अगर ये बात सच है तो डॉक्टर घटक को तो आप जानते हैं, आपको क्या लगता है वो ऐसा काम करेगा? डॉक्टर घटक लगते तो शरीफ आदमी है, अक्सर यहां आते भी रहते हैं, लेकिन अब किसी के मन में क्या है ये कैसे कहा जा सकता है। वैसे आजकल डॉक्टर यही है? हाँ है, आज सुबह ही तो उन्हें देखा। फिर कोई बात नहीं, लगता है यूं ही किसी ने झूठी बेनामी चिट्ठी लिख दी है। लेकिन डॉक्टर घटक आज रात ही कलकत्ता जा रहा है। हैं? फिर आप परेशान मत होइए चौधरी जी, आपकी लड़की समझदार है, ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे आपकी बदनामी हो। बस बस आपके मुंह में घी चक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो। चौधरी जी आपके पास एक अनुरोध लेकर आया हूँ। हाँ हाँ कहिए। आपकी मोटर गाड़ी चाहिए, आज रात रेलवे स्टेशन जाना है, कुछ जरूरी काम है। ये भी कोई पूछने की बात है? आप ही की गाड़ी है, जब चाहे ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ए रघु, टाइम हो चुका है, गाड़ी बस आती होगी। आज आप जा नहीं पाएंगे अमर बाबू, आपको वापस चलना होगा। इंस्पेक्टर तलाशी लो उनकी। कौन है ये? कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? अमर रहा, बैंक मैनेजर। जरा देखिए जिंदा है या मर गया। अमर बाबू, अमर बाबू मर गए? क्या हुआ, इनकी दाढ़ी कहाँ गई? इंस्पेक्टर। यस सर। कांस्टेबल बुला। सिपाही। ये तस्वीर बैंक मैनेजर अमर बाबू के सूटकेस में से मिली थी, डीएसपी साहब ने मुझे दी है प्रेजेंट। इस तस्वीर की चोरी हुई थी क्योंकि इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहता है ताकि अपराध के बाद कोई उसे पहचान न सके। अब सवाल यह था कि चोरी कौन कर सकता है। अब इस तस्वीर के लोगों को एक एक करके पकड़ते हैं, औरतों और बच्चों को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका इसमें कोई काम नहीं है। पहले आते हैं चौधरी जी। चौधरी जी प्रतिष्ठित और रईस आदमी है, उम्र हो चुकी है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, और फिर शहर में उन्हें हर कोई जानता है, इसलिए वो ये तस्वीर क्यों गायब करने लगे। फिर आते हैं डॉक्टर घटक पर। डॉक्टर घटक पढ़े लिखे आदमी हैं, वो रजनी को प्यार करते हैं, इसलिए उसे भगाकर ले भी गए तो कानून की नजरों में ये कोई जुर्म नहीं है क्योंकि वो बालिक है, इसीलिए वो क्यों ये तस्वीर चुराने लगे। फिर आते हैं हमारे प्रोफेसर शोम। हाँ, इनकी तस्वीरें तो चारों तरफ लगी हुई हैं, घर में, कॉलेज में,
नकुल फोटोग्राफर के स्टूडियो में, भला ये एक तस्वीर क्यों चुराने लगे? अब रह गए ये दो, उषानाथ बाबू ट्रेजरी ऑफिसर और बैंक मैनेजर अमर राहा। भाग जाने पर इन दोनों का ही फायदा है, और इनके अख्तियार में तो दूसरों के लाखों रुपए हैं। पहले लेते हैं उषानाथ बाबू को। ये हमेशा काला चश्मा पहनते हैं, और चश्मा खोलने पर यह पता लगता है कि उनकी एक आंख पत्थर की है, इसलिए उनका छुपा रहना मुश्किल है। फिर बीवी है, एक बच्चा है, सरकारी नौकरी पर भी गर्व है उन्हें, वो ये काम नहीं कर सकते। अब रह जाते हैं अमर राहा। अमर बाबू की शादी नहीं हुई थी, तनख्वाह अच्छी ही थी, लेकिन उन्हें अमीर बनने का बहुत मोह था। हमेशा टिप टॉप रहते, सपने देखते थे कलकत्ता, बंबई, लंदन का। लगता है कि काफी दिनों से प्लान बना रहे थे। जब अपने मंसूबे को काम में लाने का वक्त आया, तब कुछ अप्रत्याशित रुकावटें खड़ी हो गई। सबके साथ पिकनिक में फोटो खिंचवानी पड़ी, न खिंचवाते तो लोगों को शक हो जाता, इसीलिए खिंचवाई। सोचा था बाद में उड़ा लेंगे। फिर एक दिन अमर बाबू ने चौधरी जी के यहां से तस्वीर चुराई। अगले दिन पार्टी में उन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ तस्वीर चुराने से उन्होंने कोई अकलमंदी की बात नहीं की है, इसीलिए उन्होंने तस्वीर के साथ साथ एक चांदी की मूर्ति भी चुराई और वहां अलमारी में एक चाबी रख दी। फिर फाल्गुनी पहल के वहां आ जाने से उनके सब किए किराए पर पानी फिर गया, क्योंकि फाल्गुनी के वहां होते तस्वीर चुराने से क्या फायदा, उसे तो अपनी याददाश्त से हूबहू शक्ल बनाना आता है ना। लेकिन चोरी छुपे प्रेम करने की तरह गैर कानूनी काम करने से एक तीव्र आकर्षण होता है। अमर बाबू इतना आगे बढ़ चुका था कि अब वो पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने ठान ली कि बस अब फाल्गुनी को रास्ते से हटाना है। उस रात शराब में काफी अफीम डालकर वो उसकी झोपड़ी में गया, उसे नशे से बेहोश किया और फिर उसे जाकर कुएं में फेंक दिया। साथ में वो चांदी की मूर्ति भी डाल दी ताकि चोरी का सारा इल्जाम फाल्गुनी पर रहे। लेकिन पुलिस की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत कुएं में गिरने से पहले हुई थी। अमर बाबू शायद ये चाहते थे कि लोग ये समझे कि उन्होंने खुदकुशी की है। तब मैं डीएसपी बाबू से जाकर मिला। मुझे जो शक था मैंने उनको बताया, जिस तरह की अभी तुम्हें बता रहा हूं। वो भी मेरी बात समझ गए। उन्होंने 24 घंटों की निगरानी अमर बाबू पर रखी। हम उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। प्लान ये था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो माल समेत पकड़ा जाए। लेकिन मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। क्या? अमर बाबू बैंक का मैनेजर था ना, इसीलिए उसे पिस्तौल का लाइसेंस मिल सकता था। ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई। अच्छा, अमर बाबू शनिवार 30 तारीख को ही भागेंगे, ये कैसे पता चला? कोई भी दिन जा सकते थे। अगले महीने की 2 तारीख से लोगों की तनख्वाह बटेगी, उससे पहले ही सारा रुपया बैंक में जमा था। यही तो मौका था ज्यादा से ज्यादा रुपया लेकर भागने का। और फिर उसके साथ 2 की छुट्टी भी तो थी। बहुत से लोग कलकत्ता जा रहे थे, वो भी अगर जाए तो कोई शक नहीं करेगा। अच्छा, चौधरी बाबू को बेनामी चिट्ठी किसने लिखी, इसका पता नहीं लगा? हमारे प्रोफेसर शोम ने, क्या करे बेचारा, अपनी औरत से बहुत परेशान था, इसीलिए तो रजनी की ओर आकर्षित हुआ और वहां डॉक्टर घटक के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाया, इसीलिए चौधरी जी को उसने ये बेनामी चिट्ठी दी। और कुछ? कुछ नहीं, बहुत हो चुका। चलो। अरे सत्या, तुमने असली बात तो मुझसे पूछी नहीं। क्या? रजनी के बारे में। अरे हाँ, क्या हुआ उसका? उसने कलकत्ते जाकर डॉक्टर घटक से रजिस्ट्री शादी कर ली। अच्छा।